जैसा कि देखा जाए बच्चों, अपन नए जिले एवं नए संभाग व्यवस्था पढ़ेंगे। नए जिलों का गठन कब हुआ, इनके बारे में, नए जिले कितने बने हैं और कौन कौन से जिले बने हैं, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। देखा जाए कि नए जिले कितने हैं, टोटल 19 नए जिले हैं। किस कमेटी के द्वारा स्थापित किए गए, ठीक है, राम लुभाया कमेटी द्वारा स्थापित किए गए 17+2 जिले हैं। कितने, जब भी तीन नए संभाग बने, कितने, तीन नए संभाग मिले हैं, ठीक है। राम लुभाया कमेटी की स्थापना 21 मार्च 2022 को गठित की गई, जबकि इन्होंने, राम लुभाया कमेटी ने 21 मार्च तो 17 मार्च 2023 को इन्होंने रिपोर्ट जारी की, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कैबिनेट मोर लगाई। कब मोर लगाए कैबिनेट, जबकि घोषणा कब की, घोषणा 17 मार्च, रिपोर्ट 17 मार्च 2023 को घोषणा, यानी कि इन्होंने 21 मार्च 2022 को तो क्या कमेटी बनाएगी, राम लुभाया कमेटी, जबकि 17 मार्च ने गहलोत साहब ने 17 मार्च को घोषणा कर दी कि इतने जिले बनाएंगे, 17+2 जिले बनाएंगे, ठीक है। जबकि कैबिनेट की मोहर और अनुमोदन कब मिला, 4 अगस्त, कब, 4 अगस्त को मिला, ठीक है। जबकि अधिसूचना जारी 6 अगस्त को और अधिसूचना प्रभावी रूप से काम करना 7 अगस्त को चालू कर दिया था, ठीक है। अब टोटल कितने जिले हैं, 50, कितने हैं, 50। वर्तमान जिलों का पुनर्गठन, 18 जिलों का पुनर्गठन है, कितने, 18 जिलों का पुनर्गठन है। संभाग कौन कौन से बने अलग, सीकर संभाग, बांसवाड़ा, ठीक है, इसके बाद में बांसवाड़ा के बाद में बना है एक पाली संभाग किससे अलग होकर बना है, जोधपुर से अलग होकर बना है, जबकि बांसवाड़ा उदयपुर संभाग से अलग होकर है, किससे, उदयपुर संभाग, जबकि सीकर जयपुर संभाग से अलग होकर बना है, किससे, जयपुर संभाग से अलग होकर बना है, ठीक है। कुल नए जिले 50 है, कितने, 50 सॉरी, संभाग कितने हैं, 10 है। नए संभाग देख लो, बांसवाड़ा, पाली, सीकर है। अब टोटल संभाग देते हैं, कितने संभाग देते हैं, पहला संभाग जयपुर मान लो, दूसरा अजमेर, इनमें क्या क्या, 7 जिले हैं, ठीक है। उसके बाद में आप जोधपुर मान लो, भरतपुर, ठीक है, इसमें 6 संभाग है, कितने, 6, 7, 6, 6, फिर 5 उदयपुर संभाग में, फिर उसके बाद में आप उदयपुर संभाग के बाद में आ जाओ, टोटल 10 संभाग है, अभी तो 5 संभाग हुए हैं, ठीक है। बीकानेर, पाली, सीकर और कोटा, इनमें 4 × 4 संभाग 4 जिले हैं, इसमें 16, ठीक है, 16 जिले हो गए 4 संभागों में, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 10वां संभाग बांसवाड़ा, कौन सा है, बांसवाड़ा में कितने जिले हैं, 3 जिले हैं, कौन सा, 3 जिले, इसमें प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये हैं। आगे चलते हैं, जबकि इन जिलों के बारे में और बताते, जयपुर में कौन कौन से आते हैं, जयपुर में देखो 7 जिले हैं, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण 2 जिले, 1, 2, ठीक है, तीसरा दूदू हो गया, चौथा कोटपुतली, बैरोड हो गया,
ठीक है, कोटपुतली बैरोड हो गया, पांचवा हो गया अलवर, खेरथल तिजारा, ठीक है, खेरथल तिजारा छः, और सातवा कौन सा हो गया, सातवा हो गया बच्चों दोसा, कौन सा हो गया, जैसे दोसा, कौन सा हो गया दोसा, ये टोटल कितने हो गए सात, देखो सात, ठीक है सात दिखाता हूँ आपको, जयपुर से जयपुर ग्राम, देखो अलवर हुआ, देखो ये अलवर नए संभा, जयपुर ग्रामीण शहर हो गए दोसा, दूदू कोटपुतली खेरदल तिजारा हो गया, ठीक है आगे चलते हैं जोधपुर, जोधपुर संभाग में कितने आते हैं सात, जोधपुर में भी कितने, नहीं सॉरी उसके बाद में आप अजमेर में आ जाओ, अजमेर में कौन कौन सा आता है, अजमेर में शाहपुर आता है, ठीक है अजमेर आता है, ठीक है अजमेर के बाद में अजमेर के पास में कौन सा है केकड़ी, केकड़ी ब्यावर, ब्यावर उसके बाद में, ब्यावर के बाद में आप आ जाओ, देखो शाहपुरा एक, दूसरा अजमेर, तीसरा केकड़ी, चौथा ब्यावर, ब्यावर के बाद में एक दो तीन चार, ठीक है आप आ जाओ इसमें अजमेर के अंदर, ये कौन सा है टोंक, कौन सा है टोंक, टोंक के बाद में आ जाओ आप पाँच छः और सात करने हैं, ठीक है हाँ डीडवाना कुचामन, ठीक है डीडवाना और कुचामन किसमें अजमेर में, ठीक है अजमेर में है, ये देखो जिला, देखो ये लिख रखा टोंक भी इसी में है, ठीक है ये हो गया अजमेर डीडवाना कुचामन नागौर, एक नागौर भी है, कौन सा है नागौर, नागौर ठीक है एक नागौर हो गया, इस तरह है भी देखते हैं आगे कहाँ है अजमेर संभागिरा, अजमेर नागौर टोंक ब्यावर केकड़ी शाहपुरा कुचामन डीडवाना, ये कंप्लीट हो गए, ठीक है इसके बाद में अब छः छः वाले कौन कौन से, सात सात वाले हो गए, अब छः छः वाले, छः वाले छः कौन सा है, एक तो जोधपुर है, कौन सा है जोधपुर है, एक भरतपुर, जोधपुर और भरतपुर, जोधपुर में कौन सा था, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर दो हो गए, ठीक है फलोदी कौन सा, फलोदी तीन, एक दो तीन, चौथा फलोदी के बाद में आप आ जाओ जोधपुर, जोधपुर के पास में कौन सा है और बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर से क्या निकला है बालोतरा, बालोतरा, बालोतरा के और जैसलमेर, ठीक है एक दो तीन चार पाँच और छः, ठीक है छः जिले हैं जोधपुर में, छः जिले वो कंप्लीट हो गए, भरतपुर में कौन कौन से आते हैं, भरतपुर एक खुद भरतपुर, ठीक है दूसरा डीग, डीग के बाद में सवाई माधोपुर, किस में आते हैं सवाई माधोपुर, करौली, ठीक है सवाई माधोपुर में गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, ठीक है दो तीन चार पाँच, एक और बच गया कौन सा, खुद भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, एक धौल, ठीक है छः हो गई कंप्लीट, छः हो गए उसके बाद में आ जाओ अब दो हो गए, दोनों हो गए, अब दो संभाग और बच रहे हैं, कौन कौन सा बच रहा है, दो नहीं सॉरी चार, चार संभाग हो गए, पांचवा संभाग उदयपुर, कौन सा है उदयपुर में कितने हैं पांच जिले हैं, कौन कौन सा आता है उदयपुर खुद एक, दूसरा सलुम्बर, सलुम्बर दो, तीसरा कौन सा है, तीसरा जवाब उदयपुर के पास भीलवाड़ा, उदयपुर में आता है कौन सा भीलवाड़ा, उदयपुर में आता है भीलवाड़ा, देखो शहर दिखाता हूँ उदयपुर में, देखो उदयपुर एक राजसमंद, कौन सा है राजसमंद भी उदयपुर में आता है, राजसमंद चित्तौड़गढ़ भी उदयपुर में आता है, चित्तौड़गढ़, ठीक है एक दो तीन चार पाँच, पाँच जिले हो गए, देखो सलुम्बर हो गया उदयपुर का, ठीक है राजसमंद हो गया, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा हो गया, भीलवाड़ा कंप्लीट उदयपुर हो गया, अब चार चार वाले जिले, कौन सा चार चार वाले जिले, अब कोटा, कोटा से कोटा में कोई चेंज नहीं हो, कोटा, कोटा बूंदी बारा
और झालावाड़, ये चारों जिले आ गए। ठीक है, आ गया वो बीकानेर में। बीकानेर में कौन सा? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। एक कौन सा है? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। ये कितने किसमें आ गए? बीकानेर में आ गए, बीकानेर संभाग में आ गए। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। ठीक है, आगे चलते हैं। कोटा हो गया, बीकानेर हो गया, सीकर, सीकर ले लो। सीकर में कौन सा आता है? सीकर स्वयं, दूसरा नीम का थाना। नीम का थाना के बाद में आप आ जाओ सीकर, नीम का थाना। तीसरा है झुंझुनू और चूरू। ये किस में आ गई? सीकर संभाग में। ठीक है, आठवा संभाग पाली। कौन सा है? पाली। पाली में पाली, सांचौर, जालौर। जालौर के बाद में आप आ जाओ एक कौन सा है? एक जिला और है इसमें, पाली, सांचौर, जालौर और सिरोही। किस में आ गई? पाली संभाग में। पाली संभाग में आ गए। देखो सीकर का नेत्र गई पाली, पाली, जालौर, सांचौर, सिरोही। ठीक है, अब एक रह गया कौन सा? सीकर संभाग भी हो गया, पाली भी हो गया, कोटा से रह गया। कोटा, बीकानेर, सीकर, पाली, चार चार के हो गए। ठीक है, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। अब लास्ट हो गया बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा में तीन पहले ही कर दिए थे, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, सेम तीन हो गए, तीनों संभाग हो गए। इस तरह टोटल 50 जिले हो गए हैं, 10 संभाग हो गए हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं, अपन चलते हैं जयप अगला संभाग, संभागीय व्यवस्था पढ़ते हैं। पहले पढ़ लिए अपन पहला संभाग अजमेर, जो पहले 7-7 जिले हैं ना वो संभाग पढ़ेंगे, फिर 6-6 वाले पढ़ेंगे, फिर 5 वाले पढ़ेंगे, फिर 4-4 वाले पढ़ेंगे, फिर 3 वाला पढ़ा। इस तरह अपन कंप्लीट संभागीय व्यवस्था करेंगे। ठीक है, संभागीय व्यवस्था कर लेंगे तो कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा जिला के अनुसार, क्योंकि अपन बिल्कुल बारीकी से पढ़ना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब अजमेर संभाग पढ़ते हैं, जबकि अपन जयपुर, उसके बाद में जयपुर संभाग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। ठीक है, अजमेर हुआ, नागौर हुआ, सापुरा हुआ, ब्यावर हुआ, केकड़ी हुआ, कुचामन हुआ। ठीक है, कुचामन डीडवाणा होगा, टोंक हुआ। ठीक है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? अजमेर संभाग को मध्यवर्ती संभाग कहते हैं, कि बीचों बीच है। ठीक है, सबसे ज़्यादा खारे पानी वाला संभाग है, सबसे ज़्यादा खारे पानी की जिलों वाला संभाग है, जिलों वाला संभाग है। ठीक है, इसमें सर्वाधिक नवीनतम जिले शामिल किए गए हैं। कितने? 4 जिले शामिल किए गए नवीनतम। कौन सा? एक तो इसके अंदर केकड़ी हो गया, एक ब्यावर हो गया, ठीक है, कुचामन डीडवाणा हो गया और सापुरा हो गया। ये 4 जिले नए जिले शामिल किए गए हैं, तो ये सर्वाधिक नवीनतम जिले शामिल किए गए हैं इसमें अजमेर संभाग में, तो इससे 7 संभाग। ठीक है, अजमेर, अजमेर में क्या क्या तहसीलें आते हैं, क्या क्या मैन मैन पर्यटक स्थल आते हैं, क्या क्या मैदानी क्षेत्र आता है, क्या क्या इतिहास रहा है अजमेर का, इसके बारे में पढ़ते हैं। रूपनगढ़ नसीराबाद ब्यावर में क्रांति हुई थी, किशनगढ़ हुआ, पीसांगन अजमेर हुआ, रामसर हुआ, पुष्कर हुआ, तिलोनिया हुआ, ये आते हैं। प्राचीन नाम, अजमेर का प्राचीन नाम क्या है? अजयमेर हुआ, अजमेर मेरवाड़ा हुआ। उपनाम, राजस्थान का हृदय कहा जाता है किसको? अजमेर को। भारत का मक्का कहा जाता है, राजस्थान का नाका अंडों की टोकरी कहा जाता है, अंडों की टोकरी राजस्थान का नाका कहा जाता है। ठीक है, इसको अजमेर को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यह प्राचीन काल में राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था। कौन था? अजमेर। सही है, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता था, अजमेर मेरवाड़ा को कहा जाता था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।
अजमेर जिले में महत्वपूर्ण तथ्य। अजमेर की स्थापना कब की गई? 1113 में चौहान शासक अजयराज द्वारा की गई थी इसकी अजमेर की स्थापना। ठीक है, अजयराज ने यहाँ की बिठली पहाड़ी पर दुर्ग बनाया जिसे पहले अजमेर व अब तारागढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। किसके? तारागढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। अजयराज ने बनाया था यहाँ बिठली की पहाड़ी पर दुर्ग जिसे अजमेर या अब तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के केंद्र में स्थित होने के कारण यहाँ ब्रिटिश काल में केंद्र शासित प्रदेश रहा था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर राज्य के मध्य में होने के कारण यहाँ सर्वाधिक देशी आक्रमण हुए थे। कहाँ? यहाँ सर्वाधिक देशी आक्रमण हुए थे। वर्तमान में इसको तोड़कर केकड़ी व ब्यावर दो नए जिले बनाए गए हैं। किसको? अजमेर को तोड़कर। ठीक है, ख्वाजा मुइन चिश्ती कहाँ है? अजमेर में है। इसका निर्माण इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। बुलंद दरवाजा गयासुद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया। बड़ी देग अकबर द्वारा, छोटी देग जहांगीर द्वारा। छोटी देग तो जहांगीर द्वारा, बड़ी देग अकबर द्वारा। ठीक है, सबसे पहले पक्की मजार गयासुद्दीन मोहम्मद खिलजी द्वारा बनाई गई थी यहाँ। ठीक है, पुष्कर क्षेत्र यहाँ। ठीक है, उपनाम तीर्थराज राजस्थान का प्रयागराज कोकण तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है। यहाँ सबसे पहला ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर, रंगनाथ मंदिर, वरहा मंदिर, रमा बेकुंड मंदिर है। पहला मंदिर है यहाँ, सबसे पहला मंदिर, ये पहले मंदिर बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ स्थित पवित्र झील अर्धचंद्राकार है जहाँ 52 घाट बने हुए हैं। कहाँ? पुष्कर के किनारे 52 घाट बने हुए हैं। किसकी सहायता से? कर्नाटक की सरकार की सहायता से इसकी सहायता से बनाया गया तथा इसकी सफाई करवाई जाती है। यहाँ कार्तिक मेला कब लगता है? पुष्कर का कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, इसे रंगीन मेला भी कहा जाता है, रंगीन मेला भी पड़ता है। दीप दान किया जाता है, यहाँ दीप जलाया जाता है। ठीक है, यहाँ गंगा, गांधी घाट हुआ, गो घाट हुआ, वराह घाट हुआ, ब्रह्मा घाट हुआ आदि प्रसिद्ध घाट है यहाँ। ठीक है, ढाई दिन का झोपड़ा है, ढाई दिन का झोपड़ा विग्रहराज चतुर द्वारा निर्मित किया गया है। इसके द्वारा विग्रहराज चतुर द्वारा निर्मित किया गया है। संस्कृत पाठशाला को तोड़कर कुतुबुद्दीन एकब द्वारा मस्जिद में तब्दील किया गया था। इसको मस्जिद में तब्दील किया गया, जबकि पहले क्या था, यहाँ एक संस्कृत पाठशाला थी तो तोड़कर इसने विग्रहराज चतुर कुतुबुद्दीन एकब मस्जिद बनाई गई। ठीक है, जबकि ये किसके द्वारा बने? विग्रहराज चतुर द्वारा बनाया गया था। यहाँ हरिकेल नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण हैं। यहाँ पंजाब शाखा डाई उर्स बरता है। कहाँ? इसमें डाई दिन जोबड़ में। अकबर का किला मेघजिन दुर्ग में है। सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। किसकी? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। कल्पवृक्ष का मेला मांगलियावास। कहाँ? मांगलिया। राजस्थान की पहली दुग्ध डेयरी पद्मा डेयरी है। कौन सी? पद्मा डेयरी। किशनगढ़ राजस्थान की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी है। कौन सी? संगमरमर की मंडी है किशनगढ़। सुरसुरा तेजाजी का यहाँ स्वर्गवास हुआ था। किसका? सुरसुरा में तेजाजी का यहाँ स्वर्गवास हुआ था। नागपाड़ लूनी नदी का उद्गम स्थल है। कहाँ है? लूनी नदी का नागपाड़ी से है। कहरी गढ़ या गुंदेलाव तालाब किशनगढ़ में है। कहाँ है? किशनगढ़ में है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो ढाई दिन का झोपड़ा का फोटो देखो, कितनी अच्छी दिखा रखी है। निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद में है। सोनी जी की नसिया ये लाल मंदिर तथा सिद्ध स्थल है। यहाँ ऋषभदेव को समर्पित है। किसको है? सोनी जी की नसिया ऋषभदेव जी को समर्पित है। मूलचंद सोनी को, टीकम चंद सोनी को निर्मित की गई है। ठीक है, मेघजिन का किला, अकबर का किला भी कहते हैं इसे, मेघजिन का अकबर का किला कहते हैं। अब आ जाओ तारागढ़ दुर्ग अजयराज द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया? अजयराज द्वारा बनाया गया। उपनाम गठबीटड़ी दूसरा जिबाल्टर राजपूतों की कुंजी, तारागढ़ दुर्ग को कुंजी अरावली का अरमान कहा जाता है इसके तारागढ़ दुर्ग को। ठीक है, रूठी रानी महल यहाँ तारागढ़ दुर्ग में। मीरान
साहब की दरगाह, घोड़े की मजार आदि हैं। रूठी रानी की छतरी, पृथ्वीराज स्मारक आदि इसी में स्थित है, इसमें तारागढ़ दुर्ग में ही स्थित है। आगे चलते हैं, अकबर का किला मेघजीत दुर्ग है, कहते हैं वहाँ राजपूताना म्यूजिक के रूम में जाना गया है। ठीक है, आना सागर अनुराज द्वारा निर्मित झील है, कौन है, अनुराज द्वारा निर्मित झील है। इसके किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग तथा शाहजहां द्वारा निर्मित है। बहादरी खाम कहा कि दरगाह दरवाजे भी हैं यहाँ। ठीक है, सोनी जी की नसिया, लाल मंदिर, सिद्धकुट, चेतासले ऋषभ देव को समर्पित मूल चंद सोनी तथा टीकम चंद सोनी द्वारा निर्मित है। आगे चलते हैं, हम अजमेर कंप्लीट, जिला कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं, अब कौन सा चलते हैं, नागौर, कौन सा है, नागौर, नागौर जिला, नागौर में कौन कौन सी तहसीलें आती हैं। ठीक है, नागौर में आ गया नागौर हुआ, खींवसर हुआ, जायल हुआ, मुंडवा होगा, मेड़ता हुआ, डेगाना हुआ, रिया बवड़ी हो गया, डेह हो गया, सांझ हो गया, प्राचीन नाम नागौर का प्राचीन नाम अहिर चंद अहिर छत्रपुर हुआ, अहिर छत्रपुर हुआ। उपनाम धातु नगरी, औजारों की नगरी कहा जाता है। प्राचीन काल में जांगर प्रदेश की राजधानी थी, क्या है, जांगर प्रदेश की राजधानी था। कृषि के औजार बैलों के लिए प्रसिद्ध रहा है, क्या है, बैलों के लिए प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, राजस्थान राजस्थान में नागौर, नागौर में खींवसर हुआ, जायल हुआ, मुंडवा हुआ, मेड़ता हुआ, डेगाना हुआ, रिया बड़ी होगा, डे हो गया, सांझ हो गया। ठीक है, प्राचीन नाम नागौर, अही छत्रपुर, अही छत्रपुर। उपनाम धातु नगरी, औजारों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। प्राचीन काल में जांगर प्रदेश की राजधानी थी, क्या, अहिर छत्रपुर। ठीक है, इस कृषि के औजार तबेलों के लिए प्रसिद्ध रहा है, क्या, नागौर, ये अहिर छत्रपुर नागौर में बताया गया। राजस्थान में प्राचीन राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत बगदरी गांव 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। देश की पहली रेल बस सेवा कहाँ से चली, नागौर से चली थी, कहाँ, 1994 में शुरू हुई, कहाँ, मेड़ता से मेड़ता रोड तक चली थी। राजस्थान का पहला सफ़ेद सीमेंट कारखाना कहाँ है, गोटन, गोटन नागौर में। डेगाना खारे पानी की झील है, रेवन पहाड़ी टंगस्टन खनिज के क्षेत्र हैं, रेवन पहाड़ी पर। गोट मंगलोद जिप्सम खनिज कहाँ है, गोट मंगलोद में क्या है, जिप्सम खनिज है। दधिमती माता का मंदिर है, दधीची ब्राह्मणों की कुल देवी है। ठीक है, नागौर का सुहालक क्षेत्र तथा बाजावास बेलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गोगे लाव व रोटू कंजरू रिजरू स्थित है। ठीक, यहाँ से वरुण गांव की बकरियां विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ जायल सभ्यता के पुरापाषाण अवशेष मिले हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल व फेजी का जन्म यहीं हुआ था। ताउसर अप्पाजी सिंधिया की छत्रिया पान मेथी के लिए प्रसिद्ध है, इसके लिए पान मेथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। मेड़ता, मेरा भाई का बचपन यहीं बीता था मेड़ता में। श्री बलदेव पशु मेला वैसाख माह में आयोजित होता है। नाथु रामजी मिर्दा पशु मेला नागौर में आयोजित है। जीरा मंडी, एक जीरा मंदिर जोधपुर में भी है, एक जीरा मंदिर जोधपुर में है। ठीक है, जीरा मंडी मंदिर। चार भुज नाथ मंदिर राव दूधा द्वारा स्थापित किया गया, राव दूधा द्वारा। मीरा महोत्सव आश्विन पूर्णिमा को आयोजित होता है। मालकोट दुर्ग 1558 में मालदेव द्वारा निर्मित किया गया। मीरा मंदिर, मीराबाई का जन्म कुकड़ी गांव ब्यावर में हुआ है। बचपन का नाम पेमल, गुरु संत रेवास जीव गोस्वामी, पिता का नाम रतन सिंह, पति का नाम भोजराज है।
यहाँ मेरा संग्रहालय बना हुआ है, कहाँ? मेड़ता में, ठीक है, मेरा मंदिर के पास में मेरा संग्रहालय भी बना हुआ है, ठीक है। खींवसर का किला, एक बार औरंगजेब रुका था खींवसर के किले में, महावीर स्वामी ने यहाँ चातुर्मास किया था, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना है। खड़नाल, तेजा जी का जन्म स्थल है खड़नाल में। पिपासर, जाम्बू जी का जन्म स्थान है, 1451 में जन्म हुआ था। रोटू, रोटू जाम्बू जी संबंधित स्थल है जिसे सात्री कहते हैं। जोरडा गांव हरी राम बाबा का मंदिर, मूर्ति के स्थान पर सांप की बिंबी की पूजा की जाती है, सांप की बिंबी की पूजा जाती है। नागौर दुर्ग, पृथ्वीराज चौहान के सेनापति के मास द्वारा निर्मित, अकबर ने यहाँ शुक्र तालाब बनाया था, क्या? शुक्र तालाब, इस पर दागे हुए गोले इसे क्षति पहुँचाए बिना सीधे निकल जाते हैं। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार आयोजित कर शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। सूफी संत हमीदुन चिश्ती नागौरी सुल्तान तारकीन की दरगाह है। बवाल माता का मंदिर, डाई पहले शराब चढ़ाई जाती है। बवाल या बुआल माता का मंदिर, डाई पहले शराब चढ़ाई जाती है। अमर सिंह राठौड़ का की 16 खंभों की छतरी यही है नागौर में, किसकी? नागौर में है। अब आता है सापरा, सापरा केले किस में था? भीलवाड़ा में था। अब सापरा को अजमेर में, अजमेर संभाग में शामिल कर दिया गया, ठीक है, ठीक है। सापरा में क्या क्या फेमस है ये देखते हैं बच्चों। सापरा में मेड़ता रियासत रही है, सापरा एक मेड़ता रियासत रही है, ठीक है, और सबसे छोटी रियासत है मेड़ता, क्या है? सापरा रियासत, ठीक है। भीलवाड़ा से तोड़कर अलग कर दिया गया, ठीक है, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत रही थी, ठीक है। इसे शाहजहाँ ने 1631 में सुजान सिंह के नेतृत्व में बसाया था, किसको? सापुरा को, ठीक है। सापुरा मेड़ता रियासत रही है, यहाँ राजा सुदर्शन देव किस समय पहली बार उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? पहली बार उत्तरदायी शासन की स्थापना, रामिसने संप्रदाय की प्रधान पीठ सापुरा में है। रामिसने संप्रदाय से संबंधित फूल डोल महोत्सव आयोजित होता है। फट चित्र चित्रण के लिए प्रसिद्ध स्थान है सापुरा। गोकुल लाव असाव का जन्म स्थल कहाँ है? सापुरा में, ठीक है। बनेड़ा में कहते हैं मेड़ता मेवाड़ का एक ठिकाना रहा है। बनेड़ा का किले का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा किया गया था। बनेड़ा के महलों का निर्माण सरदार सिंह द्वारा किया गया। बाई जी का तालाब बावड़ी चौकी बावड़ी यही है। शाहजहाँपुर गोभी की पीर की दरगाह है, मारा महाभारत कालीन शिलालेख मिला है। जैनों का जहाज मंदिर है। केसरी सिंह भारत व उनके परिवार का संबंध शाहपुरा से रहा है, इसका केसरी सिंह भारत और उनके परिवार का शाहपुरा से संबंध रहा है, ठीक है। चमना बावड़ी शाहपुरा की उमेद सिंह द्वारा अपनी गणिकाएं के लिए बनाई गई है, 3 मंजिला बावड़ी है। दोनों माता का मंदिर कहाँ है? सापरा में, कहाँ है? सापरा में। अगला जिला कौन सा आता है? अगला जिला ब्यावर, कौन सा आता है? ब्यावर, ठीक है। ब्यावर में क्या क्या आती है? ब्यावर हुआ, टोटगो हुआ, टोटगढ़ हुआ, जेतारण हुआ, रायपुर हुआ, मसूदा हुआ, बदनौर हुआ, ठीक है, ये आते हैं ब्यावर। अंग्रेज अधिकारी एरिक डिक्सन ने इसे 1850 में बचाया था, इसको ब्यावर को एरिक डिक्सन ने बचाया था, अंग्रेज अधिकारी एरिक डिक्सन ने 1850 में। 1857 की क्रांति इस समय छावनी रही थी ब्यावर, सही बात है। ब्यावर के सैनिकों ने क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। यहाँ राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कृष्णा मिल लिमिटेड है, 1889 में स्थापित की गई। दामोदर दास राठी के प्रयासों से स्थापित की गई थी। इसके अलावा यहाँ सूती वस्त्र की एडवर्ड मिल 1906, एम्मा लक्ष्मी
मीर को 1925 में भी स्थापित की गई ब्यावर में। सुंगनी नसवार गजक तिलपट्टी के लिए ब्यावर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। राजस्थान की प्रसिद्ध श्री सीमेंट फैक्ट्री यही है, 1985 में यही स्थापित की गई थी। बादशाह का मेला, बादशाह की सवारी कहाँ है, ब्यावर की फेमस है। चैत्र कृष्ण द्वितीय के अवसर पर निकालने वाली सवारी है, उसी बादशाह की, बादशाह का मेला बादशाह। नारायण सागर बांध खारी नदी पर है, कहाँ खारी नदी पर है, पहले अजमेर का समुद्र कहा जाता था, पहले से अजमेर का समुद्र कहा जाता था, जबकि अब इसे ब्यावर का समुद्र कहा जाएगा, इसको नारायण सागर बांध। ठीक है, आगे देखते हैं। सापरा में बहुत चीज़ें फेमस, ब्यावर में बहुत चीज़ें फेमस बताते, सापरा तो हो गया था। जेतारण पहले पाली में था, अब ब्यावर में शामिल किया गया जेतारण को, पहले क्या था पाली में था, अब क्या ब्यावर में शामिल किया गया। यहाँ भारत का प्रसिद्ध गिरिसुमेर का युद्ध हुआ था, कहा जेतारण में, ठीक है सही कह रहे, जेतारण में हुआ था। गिरिसुमेर युद्ध 5 जनवरी 1544 को किया गया था, किसके मध्य हुआ था, राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। मालदेव के सेनापति कौन था, जेता व कोंपा। शेरशाह मालदेव के सेनापति जेता और कोंपा थे। ठीक, शेरशाह मुश्किल से जीता, कहा मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये इसका किसका, शेरशाह सूरी का वाक्य था, कथन था। जेतारण जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध, यहाँ जैन संत मरुधर केसरी की पुण्यतिथि पर विशाल मेला बढ़ता है, क्या विशाल मेला बढ़ता है। कुंडगी मीरा का जन्म हुआ था, कुंडगी में, यहाँ राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है, किसको, मीराबाई को, राजस्थान की राधा। मसूदा गांव राजस्थान का पहला साक्षर गांव है, कौन सा है, मसूदा गांव राजस्थान का पहला साक्षर गांव है। यहाँ मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मोराईजी पर्वत तथा टोटगढ़ है, कांदला जेफ टोट द्वारा बनाया गया दुर्ग टोटगढ़ है, कौन सा है, टोटगढ़। ठीक है, बदनोर ओजियाना सभ्यता स्थल है, कहाँ है, ब्यावर में, खारी नदी के किनारे बदनोर में है, ओजियाना सभ्यता स्थल बदनोर में, खारी नदी के किनारे कहाँ है, खादन नदी, यहाँ क्या है, ताम्रयुगीन आर्ट संस्कृति का हिस्सा है। कुंभा द्वारा निर्मित, ठीक है बच्चों आगे चलते हैं। बदनोर ओशियाना सभ्यता स्थल है, खारी नदी के किनारे है, ताम्रयुगीन आर्ट संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, कुंभा द्वारा निर्मित कुशल माता का मंदिर है बदनोर में, कहे कुंभ इसके द्वारा कुशाल माता का मंदिर है। जोत सिंह की 32 खंभों की छतरियां हैं, प्रमुख दर्रे बरका दर्रा, शिवपुर घाट, बाटले लावता तालाब रायपुर में है, कुशाल माता बदनोर में है, कहाँ है, बदनोर में। ठीक है, आगे चलते हैं। डीडवाणा कुचामन इसे नागौर से तोड़कर अलग जिला बनाया गया, डीडवाणा कुचामन। ठीक है, मिनी सचिवालय बनने तक इसको अस्थायी मुख्यालय डीडवाणा रखा गया है। ठीक है, डीडवाणा के उपनाम शेखावटी का तोरण द्वार, मारवाड़ का सिंह द्वार, आवा नगरी, उपकाशी आदि के नाम से जाना जाता है डीडवाणा। डीडवाणा प्राचीन समय में मारवाड़ का परगना रहा था, डीडवाणा मध्यकाल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा है। संत हरिदास कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है, संत हरिदास को डीडवाणा कहा है। ठीक हो, इसे कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। संत हरिदास द्वारा स्थापित निरंजी संप्रदाय की पीठ है, कहाँ है, डीडवाणा में, प्रमुख प्रधान पीठ है, कहाँ, गाड़ा डीडवाणा में। संत हरिदास जी का जन्म
काप डोद डीडवाना में, काप डोद नामक क्षेत्र डीडवाना में है। ठीक है, खारे पानी की झील, यहाँ से सोडियम सल्फेट प्राप्त किया जाता है। पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, क्या है, पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं डीडवाना से। ठीक है, यहाँ से प्राप्त नमक से रंगाई छपाई व चमड़ा साफ करने की का काम किया गया है। ठीक है, डीडवाना से आगे चलते हैं बच्चों। डीडवाना में डीडवाना है, लाडनू हुआ, पर्वत सोहा, मकराना हुआ, नावा हुआ, कुचामन सिटी, ये किस डीडवाना जिले में आते हैं, जैसे पर्वत सोहा, लाडनू हुआ, मकराना हुआ आदि। डीडवाना में कौन से, छोटी खाटू, बड़ी खाटू, ये डीडवाना में आते हैं। तहसील हैं जैसे लाडनू हुआ, ठीक है, मोलासर, मोलासर हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क 1964 में पूर्वक निर्माण कार्य किया गया था। डीडवाना से क्यार पद्धति द्वारा नमक ब्राइन कहा जाता है, क्या कहता है, ब्राइन, नमक ब्राइन कहता है। स्थानीय भाषा में यहाँ से प्राप्त नमक को खालदा, खालदा कहते हैं। डीडवाना झील से नामक नामक निकालने का काम देवल संस्था द्वारा किया जाता, देवल संस्थाओं द्वारा किया जाता। कुचामन खारे पानी की झील है, कुचामन दुग जागीरी किलो का सिरमोर, इसका निर्माण जालिम सिंह द्वारा किया गया, किसके, जालिम सिंह। इसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा दुर्ग रानी, किस, कुचामन दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि जागीर किलो का सिरमोर कहा जाता है, जागीरी किलो का सिरमोर, किसके, जालिम सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा दुर्ग रानी जाय के पास हो सकता है, महारानी जाय के पास नहीं, इसका आकार चील के घोंसले जैसा है। विश्रामदास बाबा मंदिर सख सासों द्वारा निर्मित सतको पूछे कुए हैं। ठीक है, नावा, नावा नामक नमक मंडी है। हाई स्पीड ट्रेनों के लिए विश्व का पहला डेडिकेट फास्ट ट्रैक है, लुनावा जैन मंदिर मेंथा नदी के किनारे है। पर्वतसर तेजा जी का मुख्य मंदिर है। वीर तेजा जी आय की दृष्टि सबसे बड़ा पशु मेला है। इसके हर नावा गांव का संबंध महिला संत राणा बाई से है। राणा बाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। यह संत चतुरदास उपनाम खो जीजी का शिष्य थी। गिंगोली का युद्ध 1807 में हुआ था, कहाँ, 1807 में। केवाय माता किंसरिया गांव में है, कहाँ है, किंसरिया गांव में है। दैया राजपूतों की कुलदेवी है, केवाय माता है। इसके मंदिर का निर्माण चौहान दुर्लभ की सामंत चष्टदेव ने करवाया था, किसने, चष्टदेव ने कहा था। कुराड़ा सभ्यता पर्वतसर में, ताम्रयुगीन सभ्यता इस तरह थी। मकराना सभ्यता सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध, राजस्थान के मध्य में स्थित है। लाडनू आचार्य तुलसीदास द्वारा चलाई गई है। अनुवर्त आंदोलन 1949 का संबंध यहीं से। आचार्य तुलसी 22 वर्ष की उम्र में तेरापंथ संकीर्णो आचार्य बने थे। ठीक है, इंसान पहले इंसान बाद में हिंदू या मुसलमान का संदेश दिया था, किसने, आचार्य तुलसी जी ने दिया था। इंसान पहले इंसान बाद में जब मुसलमान का संदेश दिया है। इसकी मृत्यु बीकानेर के गंगा शहर में हुई थी, कहाँ, गंगा शहर में। 1970 में यहाँ जैन विश्व भारतीय शिक्षण संस्था की स्थापना की गई थी। इसे 1991 में डिम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, किसे, जैन विश्व भारतीय शिक्षण संस्थान का। डाबला हत्याकांड 13 मार्च 1947 में डाबला हत्याकांड हुआ था। श्याम मंदिर छोटी खाटू, करणी माता का मंदिर छोटू खाटू, बुद्ध एवं गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं छोटू खाटू में। ये कहाँ है, डीडवाना में। गोल्डन पेंटिंग कार्य कुचामन एवं मारोट का प्रसिद्ध है। जैन विश्व भारती लाडन, ये देखो विश्वविद्यालय है, जिसे डिम्ब विश्वविद्यालय में दर्जा 1991 में दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। केकड़ी और टोंक, दो शहर बच रहे हैं। केकड़ी ये नया जिला है, केकड़ी को नया जिला बना दिया, अजमेर में है, अजमेर में। ठीक है, केकड़ी में तहसील आते हैं बिनाई, सावर, केकड़ी, सरवाड़,
टोडा रायसी किस में आते हैं, केकड़ी में आते हैं। अजमेर से केकड़ी ये सब मिला दिया गया। उपनाम अजमेर केकड़ी का उपनाम है कंकवती, कंकवती। टोडा रायसी इसे टोंक से केकड़ी जिले में शामिल किया गया। बिसलपुर बांध कहाँ है, टोडा रायसी, टोडा रायसी केकड़ी में राज्य की सबसे बड़ी पेय परियोजना है। इसे जयपुर अजमेर भीलवाड़ा टोंक केकड़ी ब्यावर किशनगढ़ आदि पेय आपूर्ति की जाती है। बिसलपुर बांध अभी टोंक में है जबकि परियोजना केकड़ी में बहती है। टोडा में पीपा जी की गुफा या संत पीपा ने तपस्या की थी। हाड़ी रानी की बावड़ी आयताकार ए टोडा रायसी में विनाय 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 इसे बगड़ावतों की दरा कहते हैं। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति 1905 में। यहाँ की कोड़ामार होली प्रसिद्ध है। देवनारायण जी इसके पिता सवाई भोज ने विनाय के राव दुर्जन साल से युद्ध किया गया था। सरवाड़ यहाँ की प्रसिद्ध मथुरा मंदिर है। यहाँ से सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है। मामू साहब की दरगाह विजयनगर रोड पे है। हजरत शेख कासिम की दरगाह टांटोली में है। केकड़ी जिले में केकड़ाधीश मंदिर पारा गांव का शिव मंदिर प्रसिद्ध है। कहाँ, केकड़ी में। अब आता है टोंक, अजमेर संभाग का अंतिम जिला टोंक सातवां नंबर, ठीक है। कौन कौन सी टोंक में कौन कौन सी आती है, मालपुरा होती है, धुनी आती है, नगर फोर्ट आती है, देवली आती है, अलीगढ़ आती है, निवाई आती है, उनियार आती है, पीपलू आदि मुख्य तहसील बताई गई है टोंक में, ठीक है। जयपुर के मान सिंह ने टारी टोकरा के क्षेत्र को अपने अधिकार में लेकर टोकरा के 12 गांवों को 1643 में बोला ब्राह्मण को सौंप दिया था। इन्हें ही संयुक्त रूप से टोंक कहा गया है। कितने गांवों को, 12 गांवों को 1643 बोला ब्राह्मणों को सौंप दिया था। यह पहले मालव गणराज्य का हिस्सा था। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। टोंक से टोडा राय सिंह तोड़कर केकड़ी जिले बना जिले में मिलाया गया था। टोडा राय सिंह सही है। कितने ये खंड है, ये अजमेर संभाग में है, सही बात है। टोंक, टोंक में क्या है, सुनहरी कोटी बड़े कुएं के पास नजरबाग में नवाब अमीर खान के समय शुरू की गई थी 1824 में। वजरुद्दौला के समय पूर्ण किया गया 1834 में। उस समय इसके निर्माण में 10 लाख खर्चा आया था। हाथी भाटा टोंक सवाई माधोपुर हाईवे पर कांकोड़ जिले के पास एक पत्थर से बनी हाथी की आकृति है। अरबी फारसी शोध संस्थान 4 दिसंबर 1978 में स्थापित की गई थी। क्या, अरबी फारसी शोध संस्थान। इसे कसरे इलम के नाम से भी जाना जाता है। अरबी फारसी में लिखी 400 से अधिक पांडुलिपियां संग्रहित हैं। देवली 1857 क्रांति में महत्वपूर्ण छावनी बताई गई। यहाँ के सैनिकों ने नीमच के सैनिकों के साथ मिलकर 4 जून 1857 को विद्रोह किया था देवली में, ठीक है। निवाई, निवाई वनस्पति विद्यापीठ है निवाई में। इसे शांतिबाई, पहले इसे शांतिबाई शिक्षा कुटीर के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना हीरालाल शास्त्री की धर्म पत्नी रत्ना शास्त्री ने अपनी पुत्री की याद में 1935 में करवाया था। किसका, वनस्पति विद्यापीठ। उन्नीस में इसका नाम वनस्पति विद्यापीठ कर दिया गया। निवाई में प्रसिद्ध जालंधर नाथ की गुफा भी है। भूमगढ़ किला, इसे अली अमीरगढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में बोला ब्राह्मण ने करवाया था। पुनर्निर्माण नवाब अमीर खान ने करवाया था। इसका पुनर्निर्माण ठीक है। मालपुरा उन्नी नमदे के लिए प्रसिद्ध है। स्वेज जैन संप्रदाय ददावड़ी है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है। अविका नगर 1962 में। दामोदर दास व्यास
कपूरचंद कुलिस की जन्मस्थली है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, प्राचीन लावा ठिकाना टोंक के अंतर्गत आता है। किसके अंदर? टोंक के अंतर्गत आता है। मांडवीय ऋषि की तपोस्थली मांडव कला को राजस्थान का मिनी पुष्कर कहा जाता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला डिग्गी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी की बरता है। टोडी सागर, इसकी मोरिया खोलने पर एक बूंद भी पानी का शेष नहीं रहता। ये कहना चाह रहा है कि यहाँ टोडी सागर है, किसमें? टोंक में अंदर। यहाँ परियोजना है, इसके अंदर एक बांध सागर बना रखा है, उसके अंदर जब भी इसको इसका दरवाजा खोलते हैं पानी का, तो एक बूंद भी पानी के अंदर नहीं रहती। यहाँ के मुबारक महल में सबसे पहले ऊँट की बलि दी जाती है। मुबारक महल है, इसे रोक लगा दी गई थी। यहाँ मंदिर है, गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। बीड़ी उद्योग दड़ा महोत्सव आवा गांव के लिए प्रसिद्ध है। बिशुलपुर बांध राजस्थान की कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। यहाँ देवली टोंक में है, जबकि बिशुलपुर परियोजना केकड़ी में स्थापित की गई। नमदा उद्योग टोंक में, वनस्पति विद्यापीठ टोंक में। ये अब उनका अजमेर संभाग कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। जयपुर संभाग अब आएगा। अजमेर संभाग में 7 जिले हैं, जयपुर संभाग में भी 7 जिले हैं, ठीक है। उसके बाद में जोधपुर संभाग चलेगा, भरतपुर संभाग चलेगा, आगे धीरे धीरे संभाग होते चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।